ये तो संसार का नियम है, ये कटु सत्य है। जो आया है उसे एक दिन जाना है, जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, जो दृष्टिमान है उसका विनाश निश्चित है। पुत्र वैसे विद्वान जन मौत का शोक नहीं मनाया जाता, और मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और अब मैं स्वर्ग को गमन करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। ये लो, धारण करो वैष्णवी धनुष और दुष्टों का संहार करो। धर्म और जनहित खातिर लोगों का उद्धार करो। ये धनुष भगवान श्री हरि का है। इससे भगवान श्री हरि ने राक्षसों को पराजित कर राक्षसों को पाताल लोक में जाने पर विवश कर दिया था, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस धनुष से उन्हें राक्षसों का विनाश करेंगे, इस धरती को राक्षसहीन बनाएंगे और पापों से मुक्ति दिलाएंगे। अब मेरा जाने का समय हो गया है, मैं स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान करता हूं। नहीं दादाजी, नहीं पिताजी, नहीं दादाजी, दादाजी। कहिए महाराज, ये सामने तुझे नजर आ रहा है? हाँ महाराज, ये सामने तो जंगल है। जंगल के अलावा भी कुछ नजर आ रहा होगा? हाँ महाराज, एक आश्रम भी नजर आ रहा है। हाँ, यह महर्षि ऋषि नंद नंदी का आश्रम है, और हमें इनके घर तक चलना चाहिए। जैसी आज्ञा। आइए राजन, आसन ग्रहण करिए। हे राजन, आज अचानक आपका शुभ आगमन हम अपनी सेना सहित युद्ध में विजेता होकर इधर से और अपनी राजधानी महेशपति लौट रहे थे। आपका आश्रम देख आपके वस्त्रों की लालसा हमें यहां तक खींच रहे थे। आपका स्वागत है राजन। हे राजन, आप यहां पधारे हैं तो मेरा भी अतिथि सत्कार बनता है कि मैं आपके लिए जलपान की सेवा करूं। आप ठहरिए, मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करता हूं। हे ब्रह्म ऋषि, हमारे साथ हमारी सेना भी है,
बहुत बड़ी सेना है, तो आप उनकी व्यवस्थाएं कैसे कर पाएंगे? हे राजन, आप उसकी चिंता ना करें, आपकी सारी राजसी व्यवस्थाएं मैं करता हूं। मंत्री जी, कहिए महाराज। यहां आश्रम में इतने जंगल में राजसी व्यवस्था कैसे हो सकती है? और ये ब्राह्मण कह रहे हैं कि आपकी और आपकी सेना की पूरी व्यवस्था करेंगे। हाँ महाराज, मैं तो खुद ही इनकी ये बात सुनकर अचंभित हूं कि ये और इतनी विशाल सेना का की व्यवस्था कैसे करेंगे महाराज? महाराज, इसके लिए क्या करना चाहिए? मंत्री, आप ऐसा करो, एक बार इन ब्राह्मण के पीछे पीछे जाकर यह पता लगाओ कि यह हमारे लिए राज की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। जैसी आज्ञा। महाराज की जय हो। हाँ मंत्री जी, आ गए आप। हाँ महाराज, और महाराज मैं ये पता लगा के आया हूं कि ये व्यवस्था कैसे करेंगे। कैसे करेंगे महाराज? इन ऋषि महाराज के पास एक कामधेनु नाम की गाय है। गाय है जो इन ऋषि की प्रार्थना से इच्छा अनुसार तरह तरह के व्यंजन और वस्त्र और दास दासियां जो महाराज पूरी सेना की सेवा कर रही हैं, बहुत ही अचंभित काम थे गाय इनके पास महाराज। अच्छा, यह तो बड़ी अचंभे की बात है। हाँ महाराज, ये आपने स्वयं ने देखा है? मैंने खुद में देखा है महाराज। ऐसी कैसी गाय है? तो मंत्रीवर, तुमने क्या सोचा था? महाराज, ये गाय तो आपके पास होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हो तो बिल्कुल हमारे पास ही होनी चाहिए। हाँ महाराज, और वैसे भी इस निर्धन ब्राह्मण के पास में इस गाय का क्या काम? हमारे राज्य में रहेगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल महाराज, मैं तो यही सोच रहा हूं कि ये गाय हम साथ ही ले चले। हाँ मंत्रीवर, तुम जाओ और जाकर उस ब्राह्मण से बात करो और वह गाय लेने की बात करो। ठीक है मंत्रीवर? ठीक है महाराज, जाइए।
आओ मंत्रीवर, कोई व्यवस्था में कमी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है आपने। दो बेटा, ये बचा हुआ रख दो, सारी सेना अंदर रख दो, खा पी के बिल्कुल मस्त है और आराम कर रही है। आपके दास दासियां उनकी बहुत सेवा कर रहे हैं। आओ मंत्रीवर, आसन ग्रहण करो। हे मुनिराज, आपका डंका, आपका यश चारों दिशाओं में है और आप तो ज्ञान की मूर्ति हैं, और आपके दरबार में जो आ जाए वो प्रभु खाली हाथ नहीं जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं मंत्रीवर? मैं कुछ आपकी बातों को समझ नहीं पाया, सीधा सीधा कहो कि कहना क्या चाहते हैं। हे मुनिराज, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये काम धेनु गाय आपके आश्रम के बजाय अगर महाराज के महलों में हो तो कितना अच्छा हो जाता। अर्थात? अर्थात महाराज इस गाय को अपने साथ ले जाना चाहते हैं महाराज। नहीं मंत्रीवर, मैं इस गाय को नहीं सौंप सकता। ये कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं है जो हर किसी को सौंप दी जाए। क्यों? क्यों? क्योंकि ये दिव्य भेंट है, इसलिए मैंने बचपन से पाली है, बहुत ही स्नेह है, मैं ऐसे किसी को सौंप नहीं सकता। लेकिन मुनिराज, हमारे महाराज सम्राट हैं। बेशक बेशक आपके राजा सम्राट हो, फिर भी मैं ये गाय उन्हें नहीं दूंगा। हे मुनिराज, महाराज सम्राट का आदेश भगवान के आदेश के बरोबर होता है और प्रजा का भी ये कर्तव्य बनता है कि धर्म से उनकी आज्ञा का पालन करे। इसलिए आप ये गाय उनको दे दीजिए, इसके बदले में आपको हजारों गाय देंगे, दास दासियां देंगे और बहुत से आभूषण देंगे। नहीं ब्राह्मण, इस सन्यासी को आभूषणों की क्या हो सकता, ये गाय ही इस आश्रम की प्राण स्वरूपा है, मैं इसे किसी भी कीमत पर किसी को भी नहीं दूंगा। ये मेरे लिए अनमोल रत्न है, जब मैं इसे संभाल के रखूंगा आप मुझे विवश ना करो। मुनिराज, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माहिष्मति नगर के महाराज की बात कर रहा हूँ और आप उन्हें साधारण पुरुष कह रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी, फिर भी आप सोच लो। नहीं मंत्रीवर, साधारण जन तो क्या, राजा महाराजा तो अपने ब्राह्मणों को गाय दान दी है, फिर आप उसे वापस लेने की बात कर रहे हो, ये तो क्षत्रिय परंपरा के विरुद्ध हुआ ना। देख लो महाराज, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ, ऐसी ही मेरी इच्छा है, जाओ तो अपने महाराज को जाकर कह दो कि मैं ये गाय किसी को नहीं दे सकती, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण त्यागने पड़े। ठीक है मुनिराज, हम आपके प्राणों के बारे में ही सोचते हैं। महाराज की जय हो। कहो मंत्री, क्या कहा उस ब्राह्मण ने? महाराज, वो ब्राह्मण बड़ा ही हठी है। आप कह रहे हो? हाँ महाराज, बड़ा अहंकारी और निरंकारी है। अच्छा, वो तो कह रहा है कि ये गाय मैं तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे महाराज की पूरी सेना आ जाए। गाय की बात करते हो, मैं तुम्हें तुम्हारे महाराज को गाय का गोबर तक नहीं दूंगा। क्या कह रहे हो? और महाराज, वो तो आपके पुरखों का भी बखान कर रहे हैं कि मैं जानता हूं
उनके पुरखों को और इनको। महाराज, उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, उस गंगे ब्राह्मण की ये बदल, मंत्री चलो और मेरे साथ चलो। यह काम देवू आप हमें दे दो। नहीं राजन, मैं पहले भी मंत्री वर्ग को समझा चुका हूं कि मैं एक गाय एक काम देनू किसी को सौंप नहीं सकता, मैं नहीं दे सकता। ब्राह्मण देव, मैं किसी को सौंपने की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने राज्य ले जाने की बात कर रहा हूं। ब्राह्मण देव, एक बार आप सोचो। हे क्षत्रिय नरेश, सोचना तो आपको चाहिए। सदियों सदियों से, युग युगांतर से क्षत्रिय नरेशों ने, सम्राटों ने, यहां तक कि आपके पूर्वजों ने भी ब्राह्मणों को हमें गाय और अनमोल वस्तुएं दान की हैं, और आज आप वापस लेना चाहते हो। अरे मूर्ख ब्राह्मण, क्या तू यह नहीं जानता, हमारे पुरखों ने तुम्हें कितनी ही गायें दान में दी है, और आज मैंने एक तुमसे काम धेनु मांग ली तो तुमने इस तरीके का बर्ताव किया हमारे साथ, क्या तू यह नहीं जानता किसका अंजाम क्या होगा? हे राजन, मुझे अंजाम की परवाह नहीं है, और ये काम धेनु कोई वस्तु नहीं है जो हर किसी को दे दी जाए। मुझे क्षमा करे, मैं नहीं दे सकता। ब्राह्मण, अगर तू यह काम धेनु हमें नहीं दे सकता तो हम छीनना भी दान कहे, यह शायद तुझे भली भांति पता है। हे राजन, आप हट ना करें, आप ऐसी हट ना करें। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, बार बार आग्रह कर रहा हूं कि मैं आपको काम देनु नहीं दे सकता। राजन, अब मेरा ध्यान का समय हो गया है, आप भी अपने स्थान को प्रस्थान करें। ओ अरे वो कमले ब्राह्मण, यह काम देनु ले जाए बगैर तो मैं यहां से जाऊंगा भी नहीं, यह मैंने तुझे पहले ही कह दिया है, और मंत्री पूरी सेना सहित इस काम धेनु को और जितनी भी गाय है उन सबको खोल लो और ले चलो। और मंत्रीवर, इस पूरे अस्त्र पे आग लगा दो, यह हमारा आदेश है। सावधान फैसल भाव, सावधान। भुजबल और राज के अभिमान में इतने भी अंधे मत हो, अपने धर्म को याद कराओ, क्षत्रिय धर्म को याद कराओ। हे काम धेनु, मैं इस समय विवश हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी इच्छा से मुक्त करता हूं। तुम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, जाओ जाओ और अपने स्थान को जाओ। ब्राह्मण, मैं तुझे इस दुनिया से भूख करता हूं। ये तुम्हें क्या हो गया स्वामी, उसे छोड़ के नहीं हमें दुख से अस्त पाओ, तूने ये सारी नहीं किया, तुम कहा हो कैसे गिराओ बेटा। देखो
इस दुष्ट बाहू ने कितने निर्ममता से तुम्हारे पिता का साधन दर्शन कर दिया। बेटा राम मेरी सुनाई नहीं देते, माँ पिताजी को क्या हुआ? बेटा ने ये सब किया है, तुम्हारे तो उस दुष्ट को किसी की तरह सम्मान दिया, सत्कार दिया, लेकिन वो दुष्ट काम धेनु को लेकर चाहता था। जब तुम बेटा राम, तुम्हारे सहज पिता ने तो उस दुष्ट को अपने आश्रम में अतिथि के तरह आदर सत्कार दिया, मान सम्मान दिया, लेकिन वो दुष्ट अपने बुताओं के बल पर काम धेनु को ले जाना चाहता था। जब तुम्हारे पिता ने उनका प्रतिरोध किया तो सर्वप्रथम उन्होंने आश्रम में आग लगा दी, तत्पश्चात ये घृणित कार्य किया जो कदापि क्षम्य नहीं है। स्वामी को विलाप मत कर, हे पुत्र कहते नहीं तूने अच्छा नहीं किया। हे पुत्र, तुम किसे शांत होने के लिए कह रहे हो? उस स्त्री को जिसका पति उसके सामने मृत स्थिति में पड़ा है, वो स्त्री कैसे विलाप ना करे पुत्र? स्वामी तुम मुझे ऐसे छोड़ो। अगर मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ तो तेरी सौगंध खाता हूँ, तेरे एक एक आंसुओं का बदला लूंगा। मेरे पूज्य पिता, मेरे देव समान पिता के एक एक खून के कतरे का बदला लूंगा। तेरा काल बन के परिश्रम आ रहा है, जिधर तुमने अच्छा नहीं किया। ये तुम्हें क्या हो गया? देखिए जितने भी दर्शक हमारे बीच यहां मौजूद हैं, निश्चित रूप से वो भगवान परशुराम के भक्त हैं, उनमें आस्था रखते हैं। अब इस नाटक का सर्वाधिक जो लोकप्रिय भाग है, जिसकी पूरे जिले में प्रशंसा होती है, वो भाग आप लोगों के समक्ष कुछ ही समय पश्चात यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा इतना ही विनम्र आग्रह है, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर वो सारे भी यहाँ उपस्थित रहते हैं तो हमारा आज का ये मंचन सफल होगा। मेरा करबद्ध निवेदन है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद को आप देख करके ही जाएं, बहुत अच्छी तैयारी के साथ आपको दिखाया जाए। आज परशुराम का परसा तेरे खून चाटने को पे
ऐसी आवाज आ रही है, दरबार पर कोई पुकार रहा है। अरे सहस्त्रबाहु, तेरे तो हजार हजार बुझाए हैं, देख ये परशुराम तेरा इंतजार कर रहा है, सदा लो अपने शस्त्रों को, तू बुला ले अपनी सेना को, हर किसी से तैयारी कर ले, और ये मेरा वादा है, मैं तुझे जैसे तूने मेरे पिता को निहत्ता मारा ऐसे निहत्ता नहीं मारूंगा, तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। निकाल बाहर सहस्त्रबाहु, अरे क्या तुम क्या बैठा है मंत्री, ये कैसी आवाजें आ रही है और क्या कौन आया है? अच्छा तो एक ब्राह्मण और आ गया हमारे हाथों में, ठीक है अभी इसे मजा चखाते हैं। और परशुराम, ठीक है हर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं। मेरी माँ ने 21 बार मेरे सामने मेरे पिता के सब पर छाती पीट पीट कर विलाप किया है, और ये परशुराम का आक्षेपण है कि तुझ सहित 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों से पृथ्वी विहीन करूंगा। ये जो मेरा खून खूनी फरसा है, ये तेरे खून से मेरी माता का एक एक आंसू के रंग तारेगा, तैयार हो जा। परशुराम युद्ध के लिए तैयार हो। परशुराम जी का सहस्त्र बाहु के साथ युद्ध हुआ और परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु को इस युद्ध में मार दिया।
आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार। माँ, मैंने आपके एक एक आसन का बदला लिया है। इस पृथ्वी को 21 बार शक्तियों से विहीन किया है। माँ, अब मेरा मन विचलित हो रहा है। मुझे आज्ञा दो माँ कि मैं महेंद्र पर्वत पे जाकर के भगवान शंकर का ध्यान करूं। पुत्र, तुमने 21 बार पृथ्वी को राक्षस से विहीन कर इस पृथ्वी का भार धरा है। तुम निश्चित ही योद्धा हो। अब तुम जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसे करो। के बल पर खत्म करी प्रभु ने सब जड़े समस्या की। प्रभु ने सब जड़े समस्या की। बहुत शांत हुआ ब्राह्मण का तब होया बल फिर से पाने को पहुंचे प्रभु अचल महेंद्र पर। प्रभु पहुंचे अचल महेंद्र पर। तो तक जगा सदाशिव को इसलिए बने बल के पीर। ये महेंद्र पर्वत आ गया है और मुझे यहीं बैठ के भगवान शंकर का तप करना चाहिए। यह आवाज कैसी? ये घोर शब्दों भगवान शंकर के धनुष पर टूटने का है। तो क्या मेरे आराध्य का धनुष टूट गया? धनुष जनकपुरी में रखा हुआ है। मुझे वहां चलकर क्रम देखना चाहिए। तो मत करो, नीचे से बोल रहे हो। प्रणाम ऋषि। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। प्रणाम मुनि श्रेष्ठ। आज समान भाव। प्रणाम मुनि श्रेष्ठ। आयुष्मान भाव, तुमने अपना परिचय नहीं दिया? हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो सर्वज्ञ हैं और सभी चीजों को जानने वाले हैं, इसलिए आपने अपने दास को तो पहचान लिया होगा
इसलिए अपना परिचय देना उचित नहीं समझा, परंतु फिर भी आपकी आज्ञा से मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। जनक कहो क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर से कैसा था वीरों में छेड़छाड़ क्यों? भगवान आप सही समय पर पधारे हैं, ये शोभा मेरी पुत्री सीता की स्वयंवर की है और इस स्वयंवर में मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो इस शिव के महाधनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसी को मेरी पुत्री सीता अपने पति रूप में स्वीकार करेगी। तो क्या महादेव का महाधनुष टूट गया? जी भगवान। स्वामी